हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो स्टीव जॉब की बायोग्राफी में भी मेंशन की गई है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने परमहंस योगानंद की ये बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हर साल पढ़ी है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, दुनिया के बहुत ही सफल लोगों ने इस किताब को पढ़ा और जिसको वो अपनी जिंदगी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान मानते हैं, और इसीलिए वो सभी इस किताब को पढ़ने के लिए कहते भी हैं। जब योगानंद ने अपनी जीवनी का आखिरी सेंटेंस लिखा तो उन्होंने कहा था कि ये बुक लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी, ये मेरे चले जाने के बाद मेरे मैसेंजर के रूप में काम करेगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने फिलॉसफीज को ढूंढा और उन्हें विकसित किया, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में फॉलो किया गया। ये बुक रीडर्स को परमहंस योगानंद के जीवन से लोगों को जोड़ती है, जिसे इन्होंने 1946 में लिखा था, जिसमें उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फिगर्स का वर्णन है। इस बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इस बुक को चार अलग अलग पार्ट में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उनकी हिस्ट्री और फैमिली के बारे में बताया गया है। उसके बाद वो अपनी जर्नी के दौरान किन इंपॉर्टेंट लोगों से मिले। तीसरे पार्ट में रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म की बात की गई है। और आखिरी पार्ट में, जो इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां योगानंद की सभी स्पिरिचुअल लर्निंग्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करके दूसरे पार्ट पर जाना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सजेशन ये है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और आराम से पूरा देखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। फैमिली एंड हिस्ट्री ऑफ योगानंद। परमहंस योगानंद का जन्म एक बंगाली हिंदू फैमिली में मुकुंदलाल घोष के घर में गोरखपुर में हुआ। इनका जन्म 1893 में हुआ। उनके पिता एक स्कॉलर थे जिन्होंने कई सीक्रेट टेक्स्ट, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, याद कर रखे थे। वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य रिलेशनशिप को सभी चीजों से ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि ये विजडम और स्पिरिचुअलिटी पर आधारित होता है। योगानंद की पूरी फैमिली पूरी तरह से इस ट्रेडिशन में खुली हुई है। उनका मानना था कि योगानंद एक एनलाइटेड सोल है जिन्होंने अपने चाइल्डहुड के दौरान अपने आप को कई रूप में मैनिफेस्ट किया है। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्म में एक यंग योगी के तौर पर कैलाश पर्वत पर तिब्बत में देखा था। जब योगानंद 4-5 साल के थे तब ज्यादातर बच्चे बात नहीं करते थे, तभी उन्होंने बताया कि वो पिछले जन्म में क्या थे। इससे उनके आसपास के लोगों का उन पर ध्यान गया। योगानंद के पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में एक हाई रैंक पर थे। उनकी माताजी लविंग और काइंड थी और अपने बच्चों को सिर्फ प्यार के जरिए सिखाती थी। उनके पेरेंट्स अपने गुरु लहरी महाशय के साथ काफी डीपली कनेक्टेड थे। जैसे जैसे योगानंद बड़े हुए उन्हें स्पिरिचुअल अनुभव होते रहे। वो अपनी कम्युनिटी के संत और गुरुओं को अपनी गाइडेंस के लिए ढूंढते रहे। 11 साल की उम्र में उनको ऐसे विजन आए जैसे कि उनकी माँ कह रही हो कि वो अब मरने वाली है। कुछ ही समय बाद वो मर जाती है और इसे योगानंद हिमालयस में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपने भाई से नहीं जाने के लिए कन्विंस थे, लेकिन वो साथ ही एक गुरु को लगातार ढूंढ रहे थे जो उन्हें बेहतर गाइडेंस दे सके। जब योगानंद 17 साल के थे वो एक गुरु से मिले। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था और उनसे मिलने से पहले योगानंद को उनके बारे में कई बार विजन आया था। दोनों ने जब एक दूसरे को बनारस के बाजार में देखा तो उनको एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील हुआ। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को कई लेसन सिखाए जो सीखने में मुश्किल थे पर लंबे समय में फायदेमंद भी थे। हालांकि कभी कभी जो युक्तेश्वर जी कहते थे उसको समझ पाना मुश्किल होता था, लेकिन योगानंद उनके पिछले जन्म के गुरु शिष्य के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से उन मोमेंट्स को भी एम्ब्रेस करते थे। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को क्रिया योग के कई प्रिंसिपल्स बताए। ये कैसी योगिक प्रैक्टिस है जो लोगों को एनलाइटन होने में हेल्प करती है। क्रिया योग ऐसे मेडिटेशन पर फोकस करती है जिससे आप सांस के जरिए दिमाग, शरीर और आत्मा को एक कर सकें। योगानंद ने खुद को इस प्रैक्टिस में मास्टर करने के लिए और अपने गुरु के साथ पढ़ने के लिए डिवोट किया। इसी के साथ साथ योगानंद काफी प्रैक्टिकल थे और अपनी खुद की स्टडीज पर भी फोकस किया करते थे। हालांकि श्री युक्तेश्वर उनको बताया करते थे कि उन्हें मेटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए इसके सभी लेसन्स, पर्सपेक्टिव्स और अवसर्स को एनलाइटमेंट के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। 1915 में सरमपुर कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, श्री युक्तेश्वर के आदेश पर योगानंद ने सन्यासी जीवन की शपथ ली और तब वो स्वामी योगानंद गिरी कहलाए। योगानंद ने फिर अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। 1917 में उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक स्कूल शुरू किया जहाँ पर स्टूडेंट योग और ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिचुअलिटी सीख सके। वो पहली बार 1920 में अमेरिका गए और अमेरिकन ने भी इनकी टीचिंग को एम्ब्रेस किया। उसी साल उन्होंने अपने आइडियाज को सभी जगह प्रमोट करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की लॉस एंजलिस में स्थापना की। बीच में एक छोटी सी इंडिया विजिट के बाद योगानंद ने अपना बाकी जीवन अमेरिका में ही बिताया। उस समय में वो गांधी जी से मिले और उन्हें क्रिया योग से परिचित करवाया। योगानंद की लाइफ और उनकी टीचिंग्स इतनी यूनिवर्सल थी कि वो अपने लाइफ टाइम में बहुत से फेमस लोगों से मिले। दयालु लोगों के साथ उनका मिलन, वो कई संतों से मिले जिसमें परफ्यूम सेंट भी शामिल है जो किसी भी वक्त सेंट प्रकट कर सकते थे।
द टाइगर स्वामी जिन्होंने टाइगर के साथ लड़ाई की और उन्हें हराया, और लेविटेटिंग सेंट बहादुरी महासभा जिन्होंने योगी बनने के लिए अपनी रिच फैमिली को छोड़ दिया। वो शंकरी माई जीव से भी मिले, ऐसी योगिनी जिनकी एज बहुत ज्यादा थी, और निर्मला देवी जिनको जॉय परमिटेड मदर भी कहा जाता है और जिन्होंने अपना ज्यादातर वक्त समाधि में बिताया। योगानंद ने बंगाल में गिरिबाला को ढूंढने के लिए ट्रैवल किया, ऐसी संत जो खाना नहीं खाती थी और सिर्फ योग टेक्निक की मदद से कई दशकों से बिना खाने के जिंदा रही, बिना किसी बीमारी के, और ये चीज क्लोज ऑब्जर्वेशन से भी साबित की गई। इनके करीबी दोस्तों में साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, लूथर बर्बैंक और श्री रमणा महर्षि भी शामिल थे। आप इन जैसे बहुत ही फेमस और इंस्पायरिंग लोगों की बायोग्राफीज कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आशा करते हैं आप सबने कुकू एफएम की ऐप को इंस्टॉल भी कर लिया होगा, क्योंकि कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की हजारों बेस्ट किताबों को, बायोग्राफीज को और स्किल के बारे में सीख सकते हैं। बेस्ट चीज ये है कि आपको इसके लिए एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल करते वक्त, काम करते वक्त भी इसको सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि हर साल 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा 1000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुनर्जन्म, यहाँ पर पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ कोई टर्म यूज नहीं की है, लेकिन रीडर्स को समझाने के लिए कुछ खास एग्जाम्पल के जरिए इस आइडिया को आसानी से समझाया है और ये बताया है कि ये चीज एक सच है। ज्यादातर लोग जो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को पहली बार सुनते हैं वो इसे नकार देते हैं और इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप कई बार लोगों से सुनते होंगे कि अगर वो वापस इस दुनिया में आते हैं तो वो एक पक्षी बनना चाहेंगे, लेकिन योगानंद बताते हैं कि पुनर्जन्म एक एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस का पार्ट है, इसलिए एक पक्षी बनकर आना एक डेवोल्यूशन होगा, यानी कि पीछे जाना होगा। कभी कभी इंसान जानवर बनकर आते रहते हैं, लेकिन जब तक कि वो जानवरों की दुनिया के जरूरी लेसन नहीं सीख लेते। धरती पर दोबारा आना एक शरीर के अंदर योगा फिलोसफीज का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कर्म के साथ काम करता है, जो एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट जैसा भोगे वैसा काटोगे पर आधारित है। योगानंद की इन कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी है। वो अपने रीडर्स को ये समझाने में मदद करते हैं कि क्यों उनका जन्म इस धरती पर हुआ है, उनका सच्चा गोल क्या है और किस तरह वो इसे अचीव कर सकते हैं। अधिकतर समय नश्वर चिंताओं को पार करने के योगानंद के प्रयासों में असुविधाओं या अप्रिय संवेदनाओं का प्रबंधन शामिल था, जैसे कि उन्होंने लंबे फास्ट के दौरान शिकायत ना करने की कोशिश की और ये सीखा कि कैसे उनको काटने वाले मच्छरों और दूसरे कीड़ों पर ध्यान दिए बिना मेडिटेट किया जाए। इन डिस्कम्फर्ट्स के मोमेंट ने बजाय उनकी खुद की जरूरतों पर भगवान के ऊपर फोकस करने को सीखने में योगानंद की बहुत हेल्प की। उन्होंने महसूस किया कि ऊंचा उठने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से दुनिया को नकार दें, या आपके उजागर माइंड को जिम्मेदारी और चिंताओं के प्रति अटेंशन के साथ बैलेंस करने के बारे में है। आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से उनकी सीख, इस पार्ट में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की 5 सीख के बारे में बताया गया है, जो कि इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मबोध। शरीर में, दिमाग में और आत्मा में, हर चीज में भगवान विद्यमान है। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, लेकिन वो हम में ही है। हम उसका हिस्सा अभी भी उतना है जितना हम हमेशा होंगे। हमें सिर्फ अपने ज्ञान में सुधार करना है। लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का जीवन जीना। अपनी बोली में मधुरता लाके और सिंसियरिटी से सही सलाह देकर दूसरों को खुश करना, ये महानता की निशानी है। सरकास्टिक शब्दों या सुझावों से किसी और की आत्मा को ठेस पहुंचाना निंदनीय है। वो अक्सर कहा करते थे, आपके आसपास जो है उसके साथ कंफर्टेबल रहें। फिजूल खर्च आपको डिस्कम्फर्ट ही देगा। अपने डर की आंखों में देखें और ये आपको परेशान करना बंद कर देगा। बीते कल को भूल जाएं, क्योंकि ये आपके हाथ से निकल चुका है। आने वाले कल को भूल जाएं, क्योंकि ये आपकी पहुंच से बाहर है। अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अभी बहुत सही से जिएं, यही बुद्धिमानों के जीने का तरीका है। एक साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। इसकी जड़ में सिर्फ अपने डिजायर्स और सेटिस्फैक्शंस होते हैं। दिव्य प्रेम बिना शर्त, बिना सीमा, बिना परिवर्तन के साथ है। लिविंग अ पर्पस एंड बीइंग पर्पसफुल, उद्देश्य में रहना और उद्देश्य पूर्ण होना। जितना गहराई से हम समझते हैं उतना ही सबूत को बल मिलता है कि एक यूनिफॉर्म प्लान नेचर में मौजूद सभी फॉर्म को लिंक करके रखता है। इंसान की चेतनावस्था, शरीर और सांसों की अवेयरनेस होती है। उनकी चेतनावस्था जो नींद में एक्टिव होती है, उनके मानसिक और अस्थायी शरीर और सांस से अलग होने से जुड़ी है। उनकी अतिचेतन अवस्था इस भ्रम से मुक्ति है कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे शरीर और सांसों पर निर्भर करता है, क्योंकि आप अकेले अपने विचारों के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए आप ही उन्हें बदल सकते हैं। बीइंग इन सर्विस, सेवा में होना। कुछ लोग दूसरों को नीचे दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंसान का मन भगवान की सर्वशक्तिशाली चेतना की एक चिंगारी है। ये आपको बता सकती है कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आपका ताकत और मन भरोसा करता है, वो चीज तुरंत आपके पास आने लगती है। जितनी गहरी एक इंसान की सेल्फ रिलेशन होती है,
अपनी सूक्ष्म वाइब्रेशन के जरिए उतना ज्यादा वो यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर पाता है। आपके दिल में एक चुंबक होती है जो सच्चे दोस्तों को आपकी ओर आकर्षित करती है। ये चुंबक निस्वार्थ होती है, दूसरों के बारे में पहले सोचती है। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वो आपके लिए जिएंगे। हमेशा याद रखें कि आप किसी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही कोई आपसे बिलोंग करता है। इस बारे में सोचें कि किसी दिन अचानक आपको ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, इसलिए अपनी जान पहचान भगवान से बनाएं। शांत रहें, सलील रहें, हमेशा खुद के कमांड में रहें। आप जल्दी ही जान पाएंगे कि इस दुनिया में ढलना कितना आसान है। सफलता का नियम, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी लाने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग करना। विचार की शक्ति, आप अपनी सक्सेस और फेलियर को आपके सोचने के तरीके के हिसाब से तय करते हैं। आप में ज्यादा स्ट्रांग क्या है, सक्सेस के थॉट्स या फेलियर के थॉट्स? अगर आपका माइंड नॉर्मली नेगेटिव अवस्था में रहता है तो कभी कभार आने वाले पॉजिटिव थॉट्स सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो आप अपना लक्ष्य ढूंढ लेंगे, चाहे अभी आप खुद को अंधेरे में ही क्यों ना फंसा हुआ पाते हों। इच्छा शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा सक्सेस पाने के लिए आपको इच्छा शक्ति के साथ लगातार काम करते रहना चाहिए। हर बाहरी नतीजा आपकी इच्छा शक्ति का एक रिजल्ट है, लेकिन ये पावर हमेशा कॉन्शियसली यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉन्शियस विल के साथ एक मैकेनिकल विल भी होती है। आप नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका दिमाग हर चीज का क्रिएटर है, इसलिए आपको चाहिए कि इसको अच्छी चीजें क्रिएट करने में ही लगाया जाए। अगर आप एक डायनेमिक विल पावर के साथ एक थॉट से चिपके रहते हैं तो आखिर में एक वास्तविक बाहरी रिजल्ट निकल कर आता है। जब आप अपनी विल पावर को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए काम में लाने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर के शांत रहने वाले हिस्से में हमेशा श्योर होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो आपके लिए सही है। तब आप अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल कर सकते हैं। डर से लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है। ये आपकी डायनेमिक विल पावर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। डर आपकी उस लाइफ फोर्स को जो आपकी नर्व्स में लगातार बहती है उसको पैरालाइज कर देता है। आपके शरीर में वाइटलिटी कम हो जाती है। डर आपको उस चीज के डर से दूर नहीं ले जाता, बल्कि ये सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर बनाता है। डर हमारे ब्रेन के जरिए शरीर के सब हिस्सों में एक गलत मैसेज भेजता है। यह हमारे दिल को कस देता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और साथ ही कई और शारीरिक डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। जब कॉन्शियसनेस भगवान पर होती है तब आपको कोई डर नहीं होगा। हर रुकावट करेज और फेथ के द्वारा ओवरकम कर ली जाएगी। असफलताओं से दृढ़ संकल्प जागना चाहिए। यहाँ तक कि फेलियर भी आपके विल पावर और आपके मेटीरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक उत्तेजक की तरह काम करने चाहिए। जब आप किसी भी काम में फेल होते हैं तो हर एक फैक्टर को एनालाइज करना आसान हो जाता है, ताकि आप भविष्य में उन गलतियों को रिपीट करने के चांसेस खत्म कर सकें। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता। प्रोग्रेस का दूसरा सीक्रेट है सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आत्मनिरीक्षण। ये एक मिरर है जिसमें आप अपने माइंड को खोलकर देख पाते हैं जो अदरवाइज आपसे छुपा रहता है। अपने फेलियर की जांच करें और अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्ति को सुलझाएं। देखें कि आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और कौन सी कमियां आपके लिए रुकावट बनी हुई हैं। पहल करने की रचनात्मक शक्ति। पहल करना या इनिशिएटिव लेना क्या होता है? ये आपके अंदर एक रचनात्मक क्षमता है, अनंत निर्माता की एक चिंगारी है। ये आपको कुछ क्रिएट करने की ताकत दे सकती है जो कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया हो। ये आपको वही चीजें नए तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है। जाहिर तौर पर अगर आप इनिशिएटिव लेने की पावर को समझ सकें तो जीरो से कुछ क्रिएट करना ये दर्शाता है कि जो असंभव दिखता है वो संभव हो सकता है। सभी लोगों में भगवान की छवि देखें। कई लोग अपनी गलतियों के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं और दूसरे लोगों को बुरे तरीके से जज करते हैं। दूसरों को माफ करके और खुद की नाकामियों को परख कर उन्हें ओवरकम करके हमें इस एटीट्यूड को बदलना होगा। थॉट्स की आदतें हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करती हैं। सक्सेस का जल्दी आना या डिले होना किसी की आदत पर बहुत निर्भर करता है। ये कोई आते जाते इंस्पिरेशन या ब्रिलियंट आइडियाज नहीं होते हैं, जितना कि आपकी रोजमर्रा की मेंटल हैबिट्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। आपके थॉट्स की हैबिट्स वो दिमागी चुंबक है जो आपके लिए कुछ निश्चित चीजें, लोग और कंडीशन की तरफ खींचती हैं। थॉट्स की अच्छी हैबिट्स बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती हैं। थॉट्स की बुरी हैबिट्स आपको दिखावटी लोगों और अनफेवरेबल एनवायरमेंट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। डिवाइन इच्छा की शक्ति। डिवाइन विल की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। ये नोन और अननोन, नेचुरल और मिरेकल सभी तरह के लॉस के थ्रू काम करती हैं। ये आपकी किस्मत बदल सकती हैं, मरे हुए को चला सकती हैं, पहाड़ों को समुद्र में बदल सकती हैं और एक नया सोलर सिस्टम क्रिएट कर सकती हैं। अबंडेंस के ओशन से, जैसे कि सभी पावर्स इच्छा शक्ति में विद्यमान होती हैं, इसलिए सभी स्पिरिचुअल और मटेरियल गिफ्ट्स बाउंडलेस अबंडेंस से बहते हैं। ये सभी गिफ्ट्स पाने के लिए आपको अपने दिमाग से सीमित और गरीबी के विचार को उखाड़ फेंकना होगा। यूनिवर्सल माइंड एक परफेक्ट माइंड है जिसमें कोई कमी नहीं है। उस कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई तक पहुंचने के लिए आपको एक अबंडेंस की कॉन्शियसनेस मेंटेन करनी होगी।
चाहे आपको ये भी ना पता हो कि आपका अगला पैसा कहाँ से आएगा, आपको डर को रोकना होगा। जब आप अपना काम बखूबी करते हैं और बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं, आप देखेंगे कि अजनबी ताकतें आपके लिए आगे आएंगी और आपके विशेष जल्दी पूरी हो जाएंगी। ये अबंडेंस का कॉन्फिडेंस और कॉन्शियसनेस मेडिटेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है। ध्यान का तरीका, बिजनेस की कंसिस्टेंट सिचुएशन में रहने से हमारे दिमाग पर तनाव छा जाता है और हम अपनी उच्च चेतना से अलग हो जाते हैं। मेडिटेशन एक ड्रेन की तरह होता है। यह हमें हमारे नेगेटिव इमोशन के सामने खुलने का मौका देता है ताकि हम उन्हें बाहर निकाल सकें। ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस के साथ बैठना उनको ठीक करने का, हमारे डर को खत्म करने का, उन बिलीफ को बाहर निकालने का जो हमें लाइफ में पीछे रखते हैं, सबसे बेहतर तरीका है। ध्यान और मेडिटेशन की पावर से आप अपने माइंड की कभी ना खत्म होने वाली पावर को अपने डिजायर को पाने और सभी डर के दरवाजे बंद करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। सभी सक्सेसफुल लोग डीप कॉन्सेंट्रेशन को बहुत महत्व देते हैं। वो सही सॉल्यूशंस को ढूंढने और उनका सामना करने के लिए अपने माइंड में गहराई तक जाते हैं। अगर आप सीख जाते हैं कि कैसे अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन से हटाया जाए और सही जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए, आप भी जान पाएंगे कि जो आपको चाहिए उसको कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है। सफलता खुशी से मेजर की जाती है। इस पर विचार करें कि जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो आपको सक्सेस दिलाने में भी मदद करेगा। सक्सेस क्या है? अगर आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं, लेकिन आपको खुद के साथ साथ सभी के साथ दिक्कत है, तो आप सफल नहीं हैं। जब पैसा चला जाता है तो आपका एक थोड़ा सा हिस्सा चला जाता है। जब हेल्थ चली जाती है, आप कुछ ऐसा खो देते हैं जिसके और ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक बार आपका पीस ऑफ माइंड खो जाए तो आप अपना सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। भगवान की शक्ति को अपने प्रयासों के साथ रखें, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उसे रिलीज करें जो आपके पास पहले से है। इससे और बहुत कुछ आएगा। बिना डगमगाए सक्सेस के लिए सभी गुण का यूज करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। खुद का अपनी स्पिरिट की क्रिएटिव पावर के साथ तालमेल बिठाएं। आप उस अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में आएंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकती है और आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। एनर्जी एक रचनात्मक शक्ति है जिसका हम यूज कर सकते हैं। पूरी लाइफ एक एनर्जी है। ये वो चीज है जो प्लैनेट को चलाती है और रोज हमें काम पर जाने के लिए जान भरती है। एनर्जी सबसे पावरफुल टूल है जो हमारे पास हो सकता है। प्लैनेट की हर चीज किसी गोल को अचीव करने के लिए लगातार बढ़ रही है। जब एक इंसान मेडिटेशन की प्रैक्टिस को विकसित नहीं करता है, तब वो एक सबकॉन्शियस की कठपुतली बनकर रह जाता है। एक इंसान जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल है, उसे अपनी इन्फिनिट पावर को इस्तेमाल करने और बदलाव लाने की क्षमता का एहसास होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, तब हम हर अवस्था में आनंद को चुनते हैं और हमारे चारों ओर प्यार और पॉजिटिविटी फैलाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कूकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।